एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। अगर आपको भी हमेशा ये कन्फ्यूजन होता है कि हैंड विस्क, इलेक्ट्रिक बीटर और हैंड ब्लेंडर में क्या अंतर है, अगर आप केक के हिसाब से ख़रीदना चाहते हैं और आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं एक मिक्सी लूँ या फिर एक इलेक्ट्रिक बीटर लूँ, कौन सा लूँ, तो आप सही वीडियो पर हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि हैंड विस्क, इलेक्ट्रिक बीटर और हैंड मिक्सी यानी हैंड ब्लेंडर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है और कौन सा कहां पर यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैंड विस्क के बारे में। ये अलग अलग साइजेस में आते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बड़े छोटे। तो मेरे पास बड़े वाले भी हैं और छोटे भी हैं, और हाँ, जो मेरे पास है इससे भी बड़े साइज के विस्क आते हैं। जो आप सामने की तरफ का हिस्सा देख रहे हैं ये बलून टाइप में होता है, मतलब जो भी पतली पतली तारे हैं ये एक गुब्बारे की तरह सामने की तरफ लगाई जाती है। इस डिज़ाइन की वजह से जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये चीज़ में वॉल्यूम ऐड करने यानी हवा भरने के काम आता है। व्हिपिंग क्रीम, एग्स, इन सब चीज़ों में ये वॉल्यूम बढ़ाने यानी इनको फ्लफी और हल्का बनाने में हेल्प करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक नहीं है, जो भी है आपको हाथ से ही करना है, आपकी जो पावर है वो इसमें जाएगी। साथ ही में अगर आपका कोई बैटर है, केक का बैटर है, ढोकला का बैटर है, इस तरह के बैटर्स में से आपको गुठलियाँ निकालनी है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑमलेट के लिए, अंडा फेंटने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जो भी आप चीज़ फेंट रहे हैं, ध्यान रहे कि साइज आप उस हिसाब से सिलेक्ट करें। एक बर्तन भर आप अंडे ले रहे हैं और छोटा सा विस्क यूज़ कर रहे हैं तब भी काम नहीं बनेगा। एक अंडा ले रहे हैं और एक बड़ा सा विस्क ले रहे हैं तब भी ठीक से काम नहीं बनेगा। इसलिए जो साइज़ है ना, आप विस्क का अपने सामान जो भी आप ले रहे हैं उसके हिसाब से लें। टेक्निकली एक हैंड विस्क का इस्तेमाल आप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने यानी बीट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब आप बीट करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि जब तक आपकी व्हिपिंग क्रीम व्हिप होगी, स्टिफ होगी, तब तक आप या तो अपना आपा खो चुके होंगे या तो जो अपने यहाँ पे टेम्परेचर होता है उस वजह से आपकी क्रीम पिघल सी जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको क्रीम व्हिप करनी है तो फिर एक इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको अंडे की सफ़ेदी या फिर अंडा फेंटना है और अगर आपका पर्पज़, आपका जो उद्देश्य है वो ऑमलेट बनाना है, तो आप बेशक एक हैंड विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मरैंग बनाना है, आपको मैक्रोन बनाना है, आपको अपने केक के लिए एग को अच्छे से बीट करना है, तो हैंड विस्क से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज के इस टॉपिक की रिक्वेस्ट आप में से काफ़ी लोगों ने की थी। वीडियो की प्लानिंग, शूट, एडिटिंग एंड पोस्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन अगर सही स्किल्स एंड टूल्स हो तो काम आसानी से और जल्दी भी किया जा सकता है। आप तो जानते हैं कि हमारे वीडियोस मेरे हस्बैंड शूट करते हैं और फिर मैं एडिट करती हूँ। वैसे काफ़ी साल आईटी में रहकर कोडिंग एंड डेवलपमेंट करने की वजह से मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है ही, लेकिन सीखने की कोई एज नहीं होती है ना। मेरी एडिटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में और मुझे जानकारी देने में स्किल शेयर ने मेरी काफ़ी मदद की है। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स पर क्लासेस अवेलेबल है। मेरे इंटरेस्ट्स की बात करूँ तो स्किल शेयर पर वीडियो एडिटिंग, फूड फोटोग्राफी, होम ऑर्गेनाइजेशन एंड होम डेकोर जैसे टॉपिक्स पर भी क्लासेस अवेलेबल हैं। यहाँ पर फिल्मोरा और अडोबी प्रीमियर प्रो जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की भी क्लासेस है। मैंने इनमें से जो कंप्लीट की है वो है वंडरशेयर फिल्मोरा, द कंप्लीट वीडियो एडिटिंग कोर्स बाय मासुक बतिस्ता। और एक चीज़, क्लास अटेंड करते समय कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती जिससे कि लर्निंग में कोई डिस्ट्रैक्शन आए। एक बार सब्सक्राइब करने के बाद आप अनलिमिटेड क्लासेस में से जो ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके एक साल के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस 2400 रुपये से भी कम है, मतलब 200 रुपये पर मंथ से भी कम। इससे ज़्यादा तो हम एक समय पर शॉपिंग पर ही खर्च कर देते हैं। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेरी लिंक से स्किल शेयर ज्वाइन करेंगे तो पहले 1000 यानी 1000 लोगों को मिलेगा स्किल शेयर का 1 मंथ का फ्री ट्रायल। तो अपनी क्रिएटिविटी एंड पैशन को फॉलो करें एंड आज ही स्किल शेयर ज्वाइन करें। अब बात करते हैं हैंड ब्लेंडर, जिसे हम हैंड मिक्सी भी कहते हैं। तो इसमें और हैंड विस्क में या फिर इलेक्ट्रिक बीटर में सबसे बड़ा फर्क है इसकी ब्लेड। इसमें होती है ब्लेड, ब्लेड यानी शार्प होगी, कटिंग वाला एक्शन होगा, यानी आप जिस भी चीज़ में इसे चलाएंगे वो सिर्फ मिक्स नहीं होगी, साथ साथ में वो चॉप होगी, बारीक होगी, पिस जाएगी। और ये चीज़ हमारे हैंड विस्क या इलेक्ट्रिक बीटर के साथ नहीं होती। ये देखिए, यहाँ पर है ब्लेड। इलेक्ट्रिक बीटर या फिर हैंड विस्क जो होता है उसमें आगे पतली सी तार होती है, वो तेज़ नहीं होती, धार वाली नहीं होती है, आपका हाथ नहीं कटेगा, इस तरह से होती है। लेकिन हैंड ब्लेंडर यानी हैंड मिक्सी और नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर में होती है तेज़ यानी शार्प ब्लेड्स। आप इसका इस्तेमाल
छाछ घोटने के लिए या फिर अगर दाल आपको पतली करनी है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में आप मिल्क शेक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इससे व्हिपिंग क्रीम बीट करने जाएंगे तो आपको लगेगा भाई मेरी क्रीम थोड़ी थोड़ी फ्लफी हो रही है, पर वो स्टिफ पीक्स वाली स्टेज तक नहीं पहुंच जाएगी और आपको फिर लगेगा कि केक सजाना चाहती हूँ लेकिन ये क्रीम तो बहुत ही लूज पड़ी हुई है। हैंड ब्लेंडर यानी हैंड मिक्सी और नॉर्मल मिक्सी का मैकेनिज्म सेम ही होता है, लेकिन हैंड ब्लेंडर जो है इसके काफ़ी अलग टाइप के फायदे होते हैं। अगर आपने एक बड़े से पतीले या फिर प्रेशर कुकर में दाल उबाली है और अगर आपको उसे मैश करना है तो आप एक हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है कि दाल कब ठंडी होगी, मिक्सी में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, उसी बर्तन के अंदर ही आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको अगर आम का रस बनाना है या कोई भी ऐसे लिक्विड टाइप की चीज़ अगर आपको मिक्स करनी है, साथ में चॉपिंग यानी उसको पीसना भी है, तो ये दोनों जो एक्शन है ये साथ में अगर आपको करने हैं तो आप हैंड ब्लेंडर का यानी हैंड मिक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैंड ब्लेंडर नॉर्मल मिक्सी का ही एक थोड़ा सा अलग टाइप है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक बीटर की। तो इलेक्ट्रिक बीटर जो है ये हमारे हैंड विस्क के बड़े भैया या बड़ी दीदी आप कह सकते हैं कि हैं। तो इसमें भी होते हैं दो बलून विस्क, यानी जो एयर इनकॉर्पोरेट करना यानी वॉल्यूम ऐड करना, किसी चीज़ में हवा भरने वाला काम करना वो करते हैं। हवा भरने वाला मतलब टायर में हवा नहीं भरेगी, क्रीम में या फिर जो भी आपका लिक्विड है उसमें। और ये काम करती है इलेक्ट्रिसिटी पर, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। मैं उसी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने 5 मिनट तक वहाँ पर हैंड विस्क से फेटी पर वो फिटी नहीं। और यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट के अंदर आपकी जो क्रीम है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आने से पहले यानी ठंडे ठंडे में ही एकदम स्टिफ पीक्स वाली आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक बीटर का काम बहुत फास्ट होता है और हाँ, इससे आप कुछ पीस नहीं सकते। इससे जो भी आप मिक्स कर सकते हैं, आप इसमें अगर छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे सब्जी के या फिर आप दाल में कुछ डाल के इसे चलाएंगे तो वो सिर्फ मिक्स होगा, वो कटेगा नहीं, वो बारीक नहीं होगा। अब ये देखिए, ये वही अंडे की सफ़ेदी है जिसके बारे में हमने बात की थी। तो अगर आपको मैक्रोन्स, मरैंग या फिर अगर आपको किसी केक के लिए आपको इसे फेंटना है तो इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत अच्छे से ये विप हो जाएगी। मैंने हैंड विस्क का भी इस्तेमाल पास्ट में किया है जब मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं था। बाय द वे मेरा ये इलेक्ट्रिक बीटर बहुत पुराना है, आई थिंक 7 या 8 साल पुराना है। तो शुरुआत में मैंने विस्क किया, फिर मेरे हस्बैंड ने किया, फिर मैंने किया, फिर उन्होंने किया, ऐसे करके बहुत देर तक जब हमने अंडे की सफ़ेदी यानी एग वाइट को बीट किया था, हमने हैंड विस्क से विस्क किया बहुत देर तक, पर उसके बावजूद जो अंडा है फ्लफी नज़र आ रहा था ऊपर से, लेकिन बेस पे पतीले के बेस में पानी यानी जो एग वाइट है वो वैसा का वैसा ही था। अगर आप हैंड विस्क की जगह इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करेंगे तो आपका काम ज़्यादा जल्दी होगा, कम मेहनत में होगा और आपकी फ्रस्ट्रेशन भी बचेगी। तो आपने डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी फ्रीक्वेंटली ज़रूरत है, और उतने पूरे समय में आपका जितना टाइम बर्बाद होता है, जितना आप, क्योंकि टाइम इज़ मनी, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको इलेक्ट्रिक बीटर लेने की ज़रूरत है या नहीं। और आपको मैंने बता दिया है कि बीटर और ब्लेंडर में क्या फ़र्क होता है, तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिक बीटर लेना चाहते हैं या हैंड ब्लेंडर। मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेना चाहते हैं तो हैंड ब्लेंडर या फिर एक नॉर्मल मिक्सी में से आप एक चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से मिक्सी ही होगी नॉर्मल वाली। अगर आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा चाहिए तो आप हैंड ब्लेंडर लें, लेकिन जो काम इलेक्ट्रिक बीटर का है वो इलेक्ट्रिक बीटर ही कर सकता है। और अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं या इस तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं तो आप एक इलेक्ट्रिक बीटर में इन्वेस्ट करें, फिर वो आपकी पसंद, आपके रिसर्च के हिसाब से जो भी आपको अच्छी ब्रांड लगे आप उसका ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने केक का गनाश आपको दिखाया, अंडा दिखाया और ये है एगलेस मेयोनीज। बहुत सारे इलेक्ट्रिक बीटर्स के साथ ये अटैचमेंट आती है, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ये क्या है तो ये है डो वाली अटैचमेंट यानी आटे की अटैचमेंट। इसे नॉर्मल चपाती या रोटी का आटा आप नहीं गूंथ सकते, पर जो ब्रेड का आटा होता है जो थोड़ा सा लूज होता है, जिसे बहुत देर तक फेंटना पड़ता है, तो उसे हाथ से ना करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और होम एंड मजमू को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।